नमस्कार। हम लोगों ने हिल साइफर के जरिए कैसे इनक्रिप्ट करते हैं वो देख लिया था। उसमें अलग जो केस बनेगा जिसमें पैडिंग होगा वो केस हम लोग देखेंगे। सिमिलरली डिक्रिप्शन में भी आज हम एक सिंपल प्रॉब्लम लेने वाले, सिंपल इन द सेंस कि मैंने कोशिश किया कि इसमें कैलकुलेशन इजी रहे। इनवर्स निकालना होता है और फिर मॉड लेना होता है, तो सारे में कैलकुलेशन इजी रहे। उसके बाद जो देखते हैं, मैंने सॉल्व करके तो नहीं देखा है अभी तक। तो यहाँ पे हमें एक कीवर्ड गिवन है, इसे हिल साइफर के जरिए डिक्रिप्ट करना है। हमने इनक्रिप्ट करके देखा, यहाँ प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनता है। अब साइफर टेक्स्ट गिवन है, उससे प्लेन टेक्स्ट बनाना है, ठीक है। तो जब इनक्रिप्ट कर रहे थे तो क्या फॉर्मूला लगाया था, साइफर टेक्स्ट तक पहुंचने के लिए हमने कहा था साइफर टेक्स्ट क्या होता है। पीके वाला फॉर्मूला बहुत जगह यूज नहीं होता, तो मैंने भी उसे यूज नहीं किया। मैंने केपी वाला ही फॉर्मूला यूज किया, तो केपी मॉड 26, जहाँ पे के की होता है जो कि गिवन होता है, सेम की हम लोग दोनों के लिए यूज करते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, और पी जो कि प्लेन टेक्स्ट का एरे होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। और ठीक है, मॉड 26, अच्छा वो नंबर वाला हम लोग बना लेंगे ए टू जेड जैसे कि जरूरत पड़ेगी। और फिर इधर ये फॉर्मूला होता था, लेकिन डिक्रिप्शन में जस्ट इसका उल्टा काम होता है। प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा, वहां से साइफर बनाना है, तो उसमें उल्टा काम। जैसे ही कि मैंने बोला तो यहाँ के की जगह के इनवर्स आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा सी से और फिर मॉड 26, ठीक है। तो सही है, तो इसके लिए के इनवर्स तो निकालना ही होगा पहले, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस करेंगे। तो के इनवर्स के लिए सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज वन अपॉन डिटरमिनेंट, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, वरना इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एडजॉइंट ऑफ के, तो डिटरमिनेंट तो निकालना ही पड़ता है किसी भी मेथड में। तो उसके लिए डिटरमिनेंट सिंपली निकाल लेते हैं, 651323 और 432 प्लस माइनस प्लस। तो 6 को हाइड करो, 4 माइनस 9, तो 4 माइनस 9 इज -5, और माइनस ऑफ 5 मल्टीप्लाइड विथ 6 माइनस 12, तो 6 में से 12 गया तो -6, एंड प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 9 माइनस 8 तो 1 होता है। तो ये -5 और +30 +1, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कैलकुलेशन। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 9, अच्छा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 9 विच इज -5, तो -30 यहाँ होता, ठीक है, +30 और प्लस, कैलकुलेशन अब सही लग रहा है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका जो डिटरमिनेंट आया वो 1, विच इज क्लियरली नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, ये आपको पता चल गया। जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है और हमने डिटरमिनेंट भी निकाल लिया, तो आगे हमें इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट की जरूरत होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए एक शॉर्टकट है। पहले तो मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लो, फिर पहले दो कॉलम को रिपीट कर दो थर्ड कॉलम के बाद। अब जो बना है उसमें से पहले दो रो को नीचे लिख दो, अब इस दोनों को हटा दो, जरूरत नहीं है। अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे फोर एलिमेंट्स एट ए टाइम करेंगे, तो ऊपर से नीचे लेकिन लिखेंगे लेफ्ट से राइट यहां पे, ठीक है। तो पहला कैलकुलेशन ये 2332 वाला दिख रहा होगा, उसमें मैं एक दिखा देता हूँ, बाकी नहीं दिखेंगे, कचरा बन जाता है वैसे ही। तो 4 माइनस 9 तो -5, नीचे जाते हैं 3 माइनस
टेन, तो माइनस सेवन रो वाइज लिख रहे हैं, और फिफ्टीन माइनस टू तो थर्टीन, ठीक है। देन ट्वेल्व माइनस सिक्स तो सिक्स, ट्वेल्व माइनस फोर तो एट, और थ्री माइनस एटीन, थ्री में से एटीन गया तो माइनस फिफ्टीन, नाइन माइनस एट तो वन, ट्वेंटी माइनस एटीन तो टू, और ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन तो माइनस थ्री, ठीक है। और ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब वन अपॉन डिटर्मिनेंट होता है तो वन अपॉन वन, ठीक है, कोई खास फर्क तो पड़ नहीं जाता। तो ये आपका के इनवर्स आ गया, जैसे कि के इनवर्स आ गया तो इसको उठा के ले जाते वहां पे रखने के लिए। प्लेन टेक्स्ट का जो एरे बनेगा वो हॉरिजेंटली बनता है, क्यों बनता है हॉरिजेंटल वो देखते हैं, क्योंकि के इनवर्स का क्या डायमेंशन है, थ्री क्रॉस थ्री ही है, माइनस फाइव माइनस सेवन और थर्टीन, देन सिक्स एट माइनस फिफ्टीन, एंड देन वन टू माइनस थ्री, थ्री क्रॉस थ्री है, और फिर प्लेन टेक्स्ट। अब इसी में से प्लेन टेक्स्ट लेंगे थ्री एट ए टाइम, थ्री एट ए टाइम क्यों, क्योंकि ये थ्री क्रॉस थ्री है विच इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ सी, जो कि साइफर टेक्स्ट का न्यूमेरिकल फॉर्म होगा। तो इसमें हमें जो भी लेना होगा यहाँ पे एज अ मैट्रिक्स, उसका डायमेंशन का जो रो वाला पार्ट है वो तो थ्री ही होना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा। पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पे हम सिंपल एक कॉलम वाला लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखो तीन तीन एलिमेंट का हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं ताकि तीन बार में हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो तीन एलिमेंट है, उसी को अगर एरे में रखना है तो या तो आप हॉरिजेंटल रख सकते थे या वर्टिकल। जब आप तीन एलिमेंट को हॉरिजेंटल रखोगे तो ऐसे रखोगे ए बी सी, लेकिन फिर इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, वन क्रॉस थ्री, जिससे मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग इसे वर्टिकल रखते हैं। और जैसे ही वर्टिकल रखेंगे अब जो इसका रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए थ्री क्रॉस वन, ठीक है, रिजल्ट कुछ ऐसा आता है थ्री क्रॉस वन, तो इसीलिए इसका डायमेंशन थ्री क्रॉस वन होता है। कोई हमने माना नहीं है, जो कैलकुलेशन एडजस्टमेंट बैठता है उसके हिसाब से थ्री क्रॉस वन होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि मैं लिख के नहीं लाया हूँ तो एक बार लिख ही लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करते हैं, सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव, ठीक है। तो अब इसमें अब कर लो P है पहला, तो P का क्या होता है, P का होता है 15, तो 15 15 15 आएगा, 15 15 15, ठीक है, पहले बार में। चलो सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन का अंदाजा तो मुझे भी नहीं था। तो यहाँ पे अच्छा मॉड्स 26 भी तो आएगा, तो कैलकुलेशन करेंगे तो एक 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है, मतलब कॉलम मैट्रिक्स आना चाहिए, तो रो मल्टीप्लाई होता है कॉलम से। चलो कैलकुलेशन चालू करते हैं, तो माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन
-7 × 15 +13 × 15, ठीक है। तो अच्छा, क्योंकि 15 ही है ना, तो आंसर 15 आया, मतलब 7 × 5 = 12। ठीक है, ऐसा करते हैं, क्योंकि सबको 15 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसका सम ले लेते हैं, क्योंकि -5 × 15 +-7 × 15 13 × 15, 15 कॉमन ले लो, मतलब सम ले लो लेफ्ट वाले मैट्रिक्स से और उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जैसे पहले बार में आया था 13 − 12 जो कि 1 × 15 जो कि 15 आया था। दूसरे बार में ये हो जाएगा 8 × 6 = 14 में से 15 गया कितना होगा -1, तो ये -15 हो जाएगा। तीसरे बार में 2 × 3 3 − 3 = 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ पा रहे होंगे। मॉड 26 लेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगा, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि 15 को जब 26 से 15 मॉड 26 क्या है, 15 को 26 से डिवाइड करो, ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा तो 0 टाइम्स में होगा 15 रिमाइंडर आएगा। तो तीनों ही केस में क्योंकि छोटे वैल्यूज हैं तो यही मॉड का वैल्यू आएगा, 15 मॉड 26 इज 15, देन यहाँ पे -15 एंड देन 0, ठीक है। अच्छा, माइनस वाले केस में क्या करते हैं, -15 mod 26 ये कैसे निकालेंगे, तो -15 mod 26 इसको अलग से देखते हैं। इसका ये फंडा होता है कि जैसे -15 mod 26 निकालना है तो -15 में 26 तब तक ऐड करते जाओ जब तक कुछ पॉजिटिव चीज मिल जाए। एक ही बार में मिल जा रहा है और वो क्या है, एक बार 26 ऐड किया 15 में तो 11 मिल गया, दैट 11 विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ द मॉड, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ और मिल जाता, जैसे लेट से -56 mod 5, ठीक है, तो इसमें एक एक करके करोगे तो टाइम लगेगा। तो ऐसे देखो कि 5 का कौन सा मल्टीपल ऐड करे कि पहले बार ये पॉजिटिव बन जाए, तो 5 × 10 50 ऐड करेंगे फिर भी -6 ही रहेगा, 55 ऐड करेंगे 50, लेकिन 60 जब ऐड कर देंगे विच इज इसका 12 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 60 − 56 विच इज 4 एंड दैट 4 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो जस्ट मल्टीपल्स ऐड कर रहे हैं, इसमें एक बार में काम बन गया था, इसमें ऐड करते जाओ तब तक जब तक पॉजिटिव बन जाए और लास्ट में जो रिजल्ट आए जो पॉजिटिव बना रहे तो वही आपका आउटपुट हो जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे दो एग्जांपल्स के साथ नेगेटिव नंबर का मॉड कैसे निकालते हैं। तो इसका दूसरे वाले के आंसर विच वुड बी 11, ठीक है, और जीरो वाले का तो 26 ही होगा। जीरो वाले का भी आपको थोड़ा डिस्कस करना होगा कि देखो पॉजिटिव नंबर्स का आप कर लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स का भी हमने देख लिया, अब जीरो का क्या फंडा है। तो यहाँ तो सिंपल चीज है कि किसी भी नंबर को अगर जीरो, लेट से जीरो यहाँ पे नंबर है, डिविडेंड इज जीरो, उसको 26 से डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो टाइम्स में हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर जीरो आएगा, तो यहाँ पे तो जीरो आएगा, दैट मीन्स ये अब सिंप्लीफाई होके आया है विच इज 15 11 एंड 0। अब हम चलेंगे वापस से यहाँ पे 15 11 0 का क्या मतलब हुआ, पी एल एन ए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते रहते हैं पी एल ए, ठीक है। आगे है एस वाई एस, एस के लिए 18 है, वाई के लिए 24 18 24 18। अगला हमारे पास है लेट्स से डी एफ, तो ये तो वही इनवर्स वाला आ जाएगा जो आज -5 − 7 और 13
और देन 6 8 -15 और 1 2 -3 दिस मल्टीप्लाइड बाय 18 24 18। एंड देन मॉड 26। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं क्या हो जाएगा। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, तो -5 मल्टीप्लाइड तो -90 हो जाएगा, -7 इंटू 24 प्लस 13 इंटू 18। ठीक है, तो ये माइनस का 24 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखते हैं, 6 into 18 प्लस 8 into 24 प्लस या -15 times 18, तो ये 30 आ गया। एंड देन फाइनली 18 plus 48 -54 12 आ गया, मॉड 26। ठीक है, तो इस वाले पहले वाला तो निगेटिव है, इसको पता ही है कि कितने बार 26 जोड़ोगे, एक बार जोड़ के ही जो 2 आ रहा है वही इसका रिजल्ट होगा। तो 2 आ गया पहले का रिजल्ट, पता ही है ना कि मान लो ये -48 होता तो एक बार जोड़ते निगेटिव ही रहता, फिर जोड़ते, तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, 30 mod 26। ठीक है, तो 30 को 26 से डिवाइड करोगे वन टाइम में होगा, जो 4 आएगा वही हमारा आंसर होगा, रिमाइंडर ही तो आंसर होता है। और 12 वाले में तो सिंपल है, 0 times में 2 4 12, दैट मीन्स कि सी ई और एम। ठीक है, और आखिरी क्या है, ई आर पी। ई आर पी का मतलब 4 17 और 15। ठीक है, 4 17 और 15, तो फोर 17 और 15। इधर क्या था, -5 -7 और 13, देन 6 8 -15 और फिर था 1 2 -3। चलो आराम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर तो -20 हो गया और -7 into 17 प्लस 13 into 15, तो 56 आ गया। देन नेक्स्ट वाला करते हैं, 24 प्लस 17 into 8 प्लस -225 माइनस का 65 आ गया, और ये आ गया 4 plus 34 minus 45 -7 आ गया, मॉड 26। मॉड इसीलिए करते हैं कि ये बड़े बड़े नंबर से, ये हमारे टेबल का पार्ट नहीं है, तो 0 से 25 तक आना चाहिए रिजल्ट, तभी तो इसको हम मैप कर पाएंगे अपने लेटर्स से। ठीक है, तो 56 mod 26, तो 26 into 2 होता है 52, और 4 रिमाइंडर बच जाएगा, दैट मीन्स 4 इज द। ठीक है, सिमिलरली 26 दो बार में करेंगे तो 52 काम नहीं बनेगा, 3 बार में करेंगे तो 78 होता है शायद, हाँ तो 78 minus 65 दैट इज 13 विल बी आवर। इसमें तो एक बार में ही काम बन जा रहा है, तो 19 आएगा, क्योंकि एक बार ही 26 ऐड करेंगे तो
19 बन गया, दैट 19 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ -7 mod 26। ठीक है, अब 439 को मैप कर लो, तो 439 तो 413 और 19 को जैसे मैप किया आगे प्लेसमेंट, ठीक है, तो सही है, इसी को मान के मैंने इनक्रिप्ट किया था और फिर मैं डिक्रिप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सही है। तो यहाँ पे क्या देखना था बेसिकली कि इनक्रिप्शन के लिए तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है, डिक्रिप्शन के लिए ये यूज़ होता है। यहाँ पे सी तो जो भी आपको टेक्स्ट गिवन है उसका न्यूमेरिकल एरे होता है, अब डिपेंड करेगा किस हिसाब से आपको एरे लेना है, वो मैंने बता ही दिया कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट करवाने के लिए मैंने इस तरीके से फॉर्मेटिंग किया, ठीक है। और फिर मॉडुलस निकालने का आपने नेगेटिव नंबर का भी एक देख लिया, जीरो का भी देख लिया, और इसके अलावा इन्वर्स निकालने का शॉर्टकट भी देख लिया, डिटरमिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा, इसके अलावा जो भी मैट्रिक्स है उसे लिख लिया हमने, ठीक है, पहले दो कॉलम को रिपीट किया और फिर जो भी बना उसमें से दो रो को, पहले दो रो को रिपीट किया, फिर ब्लू वाले को हटा दिया, काम नहीं था, फिर एक एक करके कैलकुलेशन करते गए और उसे रो वाइज लिखते गए, कैलकुलेशन ऐसे किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, लिखते रो वाइज गए, लास्ट में के इनवर्स जैसे ही मिल गया, के इनवर्स को यहाँ पे लाए, सी एक एक करके तीन तीन का हमने ग्रुपिंग बना लिया। अब क्या पता प्लेसमेंट्स होता तो फिर कैसे करते, वो हम आगे देखेंगे पैडिंग के जरिए। अब तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि तीन तीन का ग्रुपिंग कर लिया तो तीन बार में हमारा ये डिक्रिप्ट हो गया, ठीक है। बाकी ये कैलकुलेशन तो आसानी था, बस इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मॉड लेते जाना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया मॉड लिया, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया मॉड लिया, बस बाकी और देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।